कभी भी ये गलती मत करो। अभी हमको एक आदमी मिला, बेचारा कुछ नहीं जानता है। कत्तर सिम कार्ड, बड़ी खबर, ये काम मत करना वरना जेल जाओगे। दोस्तों, मैंने भी विदेश में काफ़ी समय से मैं काम कर रहा हूँ और मैं सारी जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से हर लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि कोई भी भाई अपनी एक छोटी सी गलती के कारण जो है कहीं फंस मत जाए, कोई दिक्कत में ना आ जाए, कोई परेशानी में ना आ जाए। तो कत्तर के अंदर में कोई भी अगर सिम कार्ड लेता है तो उसकी वजह से दूसरा आदमी फायदा उठाता है और जिसका सिम कार्ड है उसको जेल जाना पड़ सकता है। तो इसी टॉपिक पे मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने वाला हूँ। एक अरबी साहब है जो कि आपको बताएंगे कि एक्चुअली में सिम कार्ड लेने के बाद दूसरा आदमी कैसे इस्तेमाल कर लेता है आपका सिम कार्ड, और उसके बाद जो है आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और बहुत सारे लोग जो है जेल गए हुए हैं। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, हमारे चैनल में पासपोर्ट से रिलेटेड, अब वीजा से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है हमारे चैनल में, सारी जानकारी हमारे चैनल में दी जाती है। तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपका भाई और भी अच्छी से अच्छी जानकारी आपको दे सके। दोस्तों, ये देख सकते हैं कि पासपोर्ट में मेरा कितने प्रकार का वीज़ा लगा हुआ है। आप लोग सारी चीज़ देख सकते हैं कि मेरे पासपोर्ट में बहुत सारे जो है वीज़े लगे हुए हैं, हर जगह के वीज़े लगे हुए हैं। तो ये पूरा जो है वीज़ा से पूरा फुल है। तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अपने चैनल के माध्यम से हर लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ कि कोई भाई अगर विदेश जाना चाहता है तो कोई ऐसी छोटी से छोटी गलतियाँ जो है आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस अरबी लोगों की बात सुन लीजिए कि अरबी क्या बोल रहे हैं। और तुम्हारा अकल में डालो, कभी भी कोई भी इंशाल्लाह दोस्त हो या दुश्मन हो, कभी भी तुमसे सिम कार्ड मांगेगा मत दियो। वो बोलेगा प्लीज मेरे पास सिम कार्ड नहीं है, आओ चलो मेरे लिए एक सिम कार्ड निकालो। कभी भी ये गलती मत करो। अभी हमको एक आदमी मिला, बेचारा कुछ नहीं जानता है, एक उसका दोस्त ही गया, उसका सिम कार्ड उसका नाम से निकाला। फिर वो क्या करता था, लड़की लोग को फोन करता था, सब आदमी को गाली भी देता था, सब चीज करता था, बहुत गलत गलत चीज करता था, इस्तेमाल करता था। तो ये आदमी, ये बंदा गया उसका मुल्क में, पुलिस किसको पकड़ा, किसको फोन किया, ये इसको, और ये बोलते मेरा नंबर नहीं है, ये मेरा दोस्त का नंबर है। बोला नहीं, ये आपका आईडी से मिला हमको, इसलिए तुम जिम्मेदार है, इसलिए आप लोग को हाथ जोड़ता है, किसी को सिम कार्ड नहीं दियो तुम्हारा आईडी से। वो कुछ भी गलती करेगा आप फंसेगा, आप लोग फंसेगा, तो प्लीज ध्यान रखो। इनका बात सुनने के बाद आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर आपको विदेश जाना है तो हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको विदेश के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देती है। चाहे आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, कहीं से भी हो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल में मिलने वाली है कि कैसे विदेश जाते हैं, कैसे काम होता है, कौन सा ऑफिस बेस्ट है। आप जाइए यूट्यूब पर सर्च मारिए कि मुंबई की बेस्ट ऑफिस, आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कौन से मुंबई में बेस्ट ऑफिस है। चाहिए हमारे चैनल में ही बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको नॉलेज विदेश के बारे में दे सकती है। तो चलिए, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है कि सिम कार्ड कभी भी अगर आप कतर के अंदर में हैं, अगर सिम कार्ड खरीदते हैं तो अपने सिम कार्ड के नाम पर कोई भी चीज़ हो मत करवाइए, चाहे बैंक हो, चाहे दुकान हो। बहुत लोग क्या करते हैं कि सिम कार्ड के नाम पे ही लोन ले लेते हैं, अब बाद में वो आदमी भाग जाता है, अब बाद में आपको भरना पड़ जाता है। ऐसा एयरपोर्ट में भी कहानी होता है। जब आपको कब मालूम चलेगा कि जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे, एयरपोर्ट पे जाने के बाद जब आपका एग्जिट होगा तो उस टाइम जो है आपको कंप्यूटर में शो करेगा कि आपने कितना लोन लिया है, कितना आप कहाँ से लोन लिए, सारी जानकारी आपको सिम कार्ड के अंदर रहती है। तो कभी भी अपना सिम कार्ड किसी अन्य व्यक्ति को मत दीजिए, कोई नाम के लिए, कोई काम के लिए, कोई बैंक में काम के लिए कुछ मत दीजिए। एक बात का और ख्याल रखिएगा, अगर कोई भी आदमी नया आदमी है तो आप जो नया सिम लेते हैं, नया सिम लेने के बाद जब आप कोई ऐप बनाते हैं तो पहले से ही ऐप बनी हुई होती है, यानी कि वहाँ पे जो सिम है आपको अगर 6 महीना नहीं चलाएंगे तो सिम चेंज हो जाएगा, आपका सिम में रहेगा लेकिन नंबर चेंज, नंबर आपका कोई दूसरा आदमी ले लिया।
तो ऐसा होता है, कोई भी ऐप चालू करने से पहले आपको एक बार देख लीजिए कि क्या इस ऐप में काम करने लायक है कि नहीं है। मान लीजिए कोई फोन के बारे में कोई ऐप है, कोई पैसे भेजने के बारे में ऐप है, तो पहले आपको क्या होता है कि जो आदमी पहले से इंस्टॉल किया है, जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद वो आदमी का जो है ऐप बंद हो जाएगा। उसके बाद वो कितना भी कोशिश करेगा तो आपके यहाँ OTP आता रहता है। तो इसी पर ध्यान दीजिएगा, जब वो फ़ोन करेगा कि बोलेगा भाई साहब हमको OTP चाहिए, तो OTP कभी भी भूल कर मत दीजिएगा, कभी भी भूल कर भी मत दीजिएगा। क्यों मत दीजिएगा? क्योंकि अगर आप OTP दे देंगे तो जितना भी सैलरी आपका अकाउंट में आता है वो सारी सैलरी आपको वो निकाल लेगा आदमी। तो कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। तो चलिए, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। प्लीज़ जाइए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।